हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो नोटिफिकेशन निकल रहा है वो फोर्थ ग्रेड की पोस्ट के लिए निकल रहा है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। यदि आप भी टेंथ पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो डी ग्रुप की वैकेंसी निकल रही है उसका फॉर्म कैसे भर पाएंगे और टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज या 8,575 वैकेंसी आपको मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी टेंथ पास रहने वाली है। बात की जाए सैलरी की तो सैलरी 14,800 से लेके 47,100 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा और इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना है। और यदि आप टेंथ पास हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है यहाँ सरकारी जॉब प्राप्त करने का। तो बच्चों, सबसे पहले बेसिक जानकारी हिंदी में दिखाएंगे और इसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है विभाग के द्वारा वो आप सभी को दिखाया जाएगा। बात कर रहे हैं वैकेंसीज आपको फोर्थ ग्रेड की मिल रही है और ये विशेष भर्ती प्रक्रिया है। नियम 2020 के जो प्रावधान है उनके आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया फोर्थ ग्रेड की निकल रही है। इसके साथ यहाँ अलग अलग वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। इसके बाद यहाँ विज्ञापन संख्या आपको बताया है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विज्ञापन संख्या भी चेक कर सकते हैं, ये आपको स्वयं विज्ञापन संख्या मिलेंगे। और इसके साथ बात कर रहे हैं टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज कितनी निकल रही है, तो टोटल वैकेंसीज 8,575 मिल रही है। अच्छी वैकेंसी है तो फॉर्म इसका आपको जरूर अप्लाई करना है। इसके साथ सैलरी, क्योंकि विशेषकर सभी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि यदि हमें सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें पेमेंट क्या मिलेगा, तो आपको इसमें जो पेमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ सैलरी वन के अनुसार, इसमें आपको पेमेंट मिल रहा है 14,800 से लेके 47,100 रुपये। तो पेमेंट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा मिल रहा है। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन न्यूनतम यहाँ आपकी मैट्रिक यानी कि टेंथ पास और इसके साथ साथ अधिकतम 10+2 रखी गई है। यहाँ दो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताइए, न्यूनतम है आपकी मैट्रिक यानी कि 10वीं और अधिकतम आपकी है 10+2 यानी कि 12वीं। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम यहाँ जो है बताई है कि 48 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। बात करेंगे कि SC ST OBC को कितनी छूट मिल रही है, इसके साथ बाहरी जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या छूट मिलेगी वो भी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो पे आपको जो है कंटिन्यू बना रहना है। और इसके साथ बात करेंगे आवेदन फीस क्या रखा गया है, तो आवेदन फीस आप सभी उम्मीदवारों की यहाँ 350 रहने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, लेकिन 350 रुपये या आवेदन फीस आपको देना ही होगा। आवेदन कैसे करें, इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ आवेदन प्रारंभ तिथि क्या है, तो आवेदन प्रारंभ तिथि है आपकी 10/7/2020 यानी कि 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2020 तक आपको ये फॉर्म भर के भेज देना है। तो अभी आपको एक डेट बताई गई है कि एज लिमिट क्या रखी गई है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इससे पहले हम आपको टोटल वैकेंसीज दिखा देते हैं कि कितनी वैकेंसीज मिल रही है। टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आपको यहाँ बताई गई है 8,575, जो मैंने आपको हिंदी में बताया था उसी के आधार पर टोटल वैकेंसीज आपको 8,575 मिल रही है। इसके साथ आपकी उम्र सीमा यहाँ बताई गई है कि आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है और वैकेंसीज यहाँ देख सकते हो पे स्केल फोर्थ ग्रेड के अनुसार, इसमें आपको पे स्केल मिल रहा था 14,800 से लेकर 47,100 रुपये। इसके साथ यहाँ बताया गया है कि आपकी उम्र क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ उम्र सीमा देख सकते हो, यहाँ लिमिट आपको बताई है, यहाँ अलग अलग वैकेंसीज जो निकल रही थी उनकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ आपको उम्र जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ काफ़ी सारे अपडेट्स आपको इस ऑफिशियल जो PDF डाउनलोड जो भेजी गई है डिपार्टमेंटली, उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आपको बताए गए हैं क्या क्या छूट मिल रही है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को फट के ही आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और इसके साथ ये वैकेंसीज आपको कहाँ से मिल रही है, जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। यहाँ विज्ञापन संख्या देख सकते हो और 26/6/2020 को नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था और यहाँ देख सकते हो जो विज्ञापन संख्या नंबर आपको बताए थे वो सेम विज्ञापन संख्या आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ इसके बाद कुछ और अपडेट्स आपको बताए गए हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरना है, तो यहाँ आपको लास्ट डेट बताई है कि 25 अगस्त 2020 तक आपको फॉर्म भरना है और टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी जो मिल रही है आपको 8,575 मिल रही है। तो जो जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करें 10 जुलाई के बाद।